तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, डोमेनी की सफाई कर रहा हूँ, डंपिंग यार्ड साफ कर रहा हूँ, तो ये एनजीटी में चले जा रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये चुनाव लड़े पूर्वी से, और हमने जब हम चुनाव जीते और ये जीते तो हमने इनको पांव छू के प्रणाम किया, इनको बधाई दिया, तो आखिर इनको ऐसा पेट में क्यों दर्द हो रहा है सिर्फ? और जब सीपी सिंह का मैटर होता है तो सीपी सिंह के मैटर में ये जो है चूहा के बिल में छुप जाते हैं, मुर्गी बन जाते हैं, और इसको दूसरे लोग कह देते हैं ये हनी ट्रैप हो रहा है, मतलब सीपी सिंह के लिए हनी ट्रैप और बन्ना गुप्ता के लिए फनी ट्रैप, ये दोहरा मापदंड होगा। गजब कर रहे हैं भाई आप जो है। सीपी सिंह का मैटर में आपके मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो आपके स्वजाती हैं इसलिए, लेकिन आप इतने उतावलेपन में थे कि आपने ये भी नहीं देखा कि जो महिला को आप चीरहरण कर रहे हैं वो महिला कहीं आपके चक्कर में, उसकी सामाजिक जीवन क्या होगा? अरे आपको झगड़ा हमसे था तो आप मर्द की तरह हमसे लड़ते ना, ये पीठ में छुरा भोंकने का काम क्यों कर रहे हैं? मर्द की तरह आइए, और गोपीचंद जासूस बन के क्यों आ रहे हैं? विधानसभा में उठाया तो बोला दवा घोटाला, फिर बोला तो बोला कि पदाधिकारियों का पदस्थापन गड़बड़ कर दिया, तो आप ही ठेकेदार हैं एकमात्र, तो आप ठेकेदार हैं तो आपका दूसरे लोगों के लिए क्या व्यू है? सीपी सिंह के लिए क्या व्यू है आपका? आपको जो लोग कल तक आपके चरित्र हनन किया भाजपा के नेताओं ने, और आपने उनको कहा चोर है, मवाली है, फलना है, चिल्ला है, आज यदि हमको लेके आप जाके ओलोंग से जाके पैक्ट कर लिए, और कल तो देखिए हद हो गई, समाचार पत्रों में क्या दिया उन्होंने, हिंदुस्तान पेपर में क्या लिखा। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान पेपर कह रहा है कि समाचार पत्र हिंदुस्तान, तो और बोल सकते हैं लेकिन आप लोग नहीं चाह रहे, फिर दूसरा बार बोलेंगे, छोड़िए फिर तो आएगा, अभी वीडियो आना बाकी है, बहुत बोलता है, बोल रहा है कि बोलता बहुत है। एक सवाल आता है कि क्या वीडियो का एफएसएल रिपोर्ट आ गया है? वीडियो जो वायरल हुआ है उसका एफएसएल रिपोर्ट के आधार पे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर एफएसएल? अरे कहाँ आएगा जी, अभी तक तो मोबाइल लिया ही नहीं तो कैसे आएगा? अन्ना जी आप कह रहे हैं आप आरोपी नहीं, महिला भी आरोपी नहीं, भुक्त भोगी है, आरोपी कौन है? सरयू राय। नो आरोपी तो जांच होनी चाहिए, देखिए प्राथमिकी दर्ज है, एसएसपी बोल रहे हैं जांच चल रही है, लेकिन साजिश कॉन्स्पिरेसी किसने किया है? किन लोगों ने सबसे पहले, किन लोगों का पेट में दर्द हुआ है, और कौन लोग इसको साजिश करके निकाला है, वो जांच होनी चाहिए, वो ना आरोपी है। आईटी एक्ट क्या बोलता है? एक मिनट, आईटी एक्ट क्या बोलता है? आईटी एक्ट क्या बोलता है बताइए तो। मैं कहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मर्व कर रहा है, एडिटिंग कर रहा और क्या कर रहा, आप कभी बोलिए ना निकाल देंगे जी, अब बोलिए आपका फोटो लगा के निकाल देंगे कल, ऐसा जानकार लोग आ गया हमारे पास भी। मेरा वीडियो नहीं है ये, मेरा वीडियो नहीं है ये, वीडियो में पूरा एडिटिंग है, और पता नहीं इस वीडियो को और किस टाइप से वीडियो पेश करेगा, हम तो स्वागत करेंगे, और जब करेगा तो हम जवाब देंगे। मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, जब आप बताइए, जब उन्होंने खुद कह दिया, उन्होंने क्या कहा? पहले तो एक हमारी दूसरी बहन आयुषी बंधन का नाम दे दिया, कुछ लोगों ने चला दिया उसका नाम, जब उसने ये किया एफआईआर कर दिया तो वो मामला को फिर दब गया, फिर
ये हमारे चाचा गोपीचंद जासूस ले आए कि फलना दुकान, फलना जगह, फलना गाड़ी से निकला, बेगनार से निकला। तब जब ये सारी बात आई तो जो है वो भुक्तभोगी ने अपना बयान दे दिया। तो भुक्तभोगी ने जो बयान दिया है वो बयान का कोई मतलब नहीं। अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे क्या मालूम है कि वही है कि नहीं है। तो आपको बेगनार मालूम है, छो मालूम है, नौ मालूम नहीं है, नौ मालूम है, छो मालूम नहीं है। अरे ऐसा न कर रहे हैं, कहना चाहता हूँ पुलिस जैसे ही हमको मेरे मोबाइल का मांग करेगी, जो सहयोग की बात करेगी, मैं उसको आधा घंटा में उपलब्ध करा दूंगा। चूँकि पुलिस में मैं हमारा पारिवारिक एक कार्यक्रम में हम उड़ीसा गए हुए थे, जैसे ही हमको पता चला हमने रातों रात प्राथमिकी दर्ज किया। यदि हमको इतना डर भय होता तो हम क्यों प्राथमिकी दर्ज करते। पुलिस अनुसंधान कर रही है और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि इसका फॉरेंसिक जांच हो जाए, दोनों मोबाइल का फॉरेंसिक जाँच हो जाए और पुलिस आज मांगे आज देने को हम तैयार हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा साजिश हुआ है और ये साजिश करके इसका एडिटिंग मोर और क्या क्या इंग्लिश बोलते हैं उतना तो हम जानबे नहीं करते ना, हम क्या बोलेंगे आप। तो यही सब हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग सुरक्षा की बात कर रहे थे हम लोगों को तो मालूम भी नहीं था, लेकिन वो चाचा जी तो बहुत तेज आदमी ना, आदमी लगा देते हैं पीछे कैमरा, कैमरा लगा के बता दिए फलना दुकान, फलना फलना फलना, मतलब ये बेडरूम तक घुसने वाला आदमी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई धाराओं में संशोधन कर दिया हो, लेकिन ये लोग बेडरूम में घुस के कैमरा लगा रहे, क्या चाहते हैं रे भाई, क्या जुलूम कर दिया, कैसा जुलूम हो गया। हम आरोपी हैं कि भुक्तभोगी हैं। बोलता है कि बन्ना गुप्ता के ऊपर प्राथमिकी होनी चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग भी होना चाहिए, और ईडी और सीबीआई और क्या होगा तो भगवान मालिक है, खैर उस पर हम नहीं बोलते हैं। तो बोले मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट से जो दूसरे बैंक अकाउंट में कौन महिला कौन लड़का को दे रहे हैं और किसको जहाज में ले लेके अपने बगल में बैठा के पूरा जहाज का सफर करवा रहे हैं और अपना गाड़ी घोड़ा बहुत चीज है अमेरिका तक जी, पलटी मोड़ का नाम सुने हैं अमेरिका में, वहाँ भी मालूम देने के लिए वहाँ भी लड़का को भेजा है माल जी अपने अकाउंट से, पता कीजिए ना कौन है, है? बाल्टीमोर ना कहा बोलता अमेरिका, हम कहा अमेरिका में रहता है, ऐसे कुछ नाम है जी, ऐसे कुछ नाम है बोलता है। आप तो 3 दिन में अभी तक पुलिस आपकी क्या कर रही है? अरे बस इनको तो कान सफा करने वाला दवाई दीजिए, तो नहीं स्वास्थ्य विभाग से तो डलवाई इनका कान में। अरे भैया मैं आपके सामने क्या करूं, आपका कैमरा लाइए मेरे मुंह में घुसा दीजिए तब बोले, बोल तो दिए हैं जी। एक सवाल मेरा भी लीजिए, मेरा तो मैंने SSP को कहा है, फोन लगाइए SSP साहब को, मैंने उनसे कहा है कि इसकी जांच करके तुरंत दूध का दूध पानी का पानी करिए, इसको फॉरेंसिक लैब भेजिए मेरे मोबाइल को, और जो भुक्तभोगी है उसका भी मोबाइल को जब्त कीजिए भेजिए। तो इससे ज्यादा हम क्या करें, वो वीडियो जो है उसमें आप सवालियां में दिख रहे हैं। अच्छा ब्रजेश भाई क्या इसके मूल्यों के लिए ये बहुत ही दुखद है। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान थी है रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ आपकी सरकार बिल्कुल, देखिए चूंकि आप बहुत सारे आपके भी कुछ पत्रकार होंगे उनको भी फोन फान करके बोलता होगा कि फलना बैंक से बोल रहे हैं, ATM वो ATM आप अपने पास रखे हुए हैं और पता चला आपका माल गायब हो गया, आप बताइए कौन आया आपके घर से निकालने, लेकिन वो हवा में ही गायब हो गया पैसा। तो ये कहीं ना कहीं जो है जब आपका
पर्स पैसा जो है आपके कार्ड का पैसा निकल जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये किस तरीका का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इसको जो है कड़ाई से इस पर काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बैंक में पैसा रखते हैं, उनका पैसा निकल गया, बेचारे लोग, कई लोग तो जो है मतलब उनका जीवन दुश्वार हो गया। आदमी हैं हाँ, जिनका घर जो है अपने शीशा का होता है ना, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। मत हमसे खुलवाइए, आप जानते हैं हम बोलना नहीं चाहते हैं। बड़ा भाई है मेरा, हमसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है, बड़ा हम इज्जत करते हैं। अरे उतारे तो वे लीजिए, सीता का साड़ी है, इतना जल्दी गंदा हो जाएगा जी, इतना कमज़ोर आदमी है, ऐसा ना बात कर रहे हैं। अरे हम देखिए, हम लोग किसी के माँ बहन बेटी पर नहीं बोलते हैं। हाँ बर्दाश्त करेंगे, मर्द की तरह लड़े हैं लड़ेंगे, लेकिन हम किसी पर नहीं आक्षर। हमको तो बोलिए ना, सब का नाम मालूम है जी, कब कौन मरा है, कौन कैसे मरा, क्यों मरा, किसके कारण। नेता आदमी है, आप पत्रकार हैं, आपको 25 तो फोन आता है, आप बता नहीं पाते हैं कितना जगह बात कर रहे हैं। तो आप गंजी वंजी बात करते हैं, क्यों नहीं करेंगे बात कोई। हम बहुत बड़ा ये है का रतन टाटा और ये है अंबानी अडानी है, ऐसा ना बात कर रहे हैं। हम तो घर जाते हैं तो तुरंत साठ फूट खोल के अपना बतियाते हैं। मंत्री जी आप तो बात करते हैं जो वीडियो में, अब आप करते होंगे शायद, शादीशुदा हैं आप, शादीशुदा हैं सर, बनियान में है घर के अंदर। नहीं नहीं, शादीशुदा हैं आप, नहीं है ना, जब शादी कर लीजिएगा ना और पत्नी बच्चा हो जाएगा तो सवाल करिएगा हमसे। चलिए पूछिए और कौन। अरे प्रभारी जी को बता दिया हमने, हमारे सीएलपी लीडर हमारे इमीडिएट बॉस होते हैं उनको मैंने बता दिया, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी को मैंने सारी बात को बता दिया, और उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत की है आप उनसे पूछें। मंत्री जी, मूल सवाल मंत्री जी, एक सवाल है।